दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी याद दिल बेचारा फिल्म रिलीज हो गई। मैं जय वसावड़ा आपके साथ जब फिल्मों की बातें करता हूं तो यूं भी रिव्यू नहीं करता हूं, जिसको टिपिकल सेंस में रिव्यू कहते हैं, ऐसे रिव्यू नहीं करता हूं। मैं तो जिंदगी के कुछ ताने बाने ढूंढता हूँ, हर कला में ढूंढता हूँ, जिंदगी में से भी ढूंढता हूँ, और उसके साथ हम कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे कुछ कुछ जिंदगी का लुत्फ उठा सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, या तो कुछ सीख सकते हैं, या तो किसी की पेन के साथ, दर्द के साथ जुड़ सकते हैं। वो बातें हम बातें करने की, शेयर करने की कोशिश करते रहते हैं। तो यूं भी मैं रिव्यू तो जैसे रिव्यू कहते हैं लोग, उस तरीके से तो करता नहीं, और सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म का तो खैर सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये तो एक फीलिंग है पूरी। अब फिल्म के नाम के शब्द में ही आता है फिल्म में फीलिंग, तो ये फीलिंग की कुछ बातें आज उस माध्यम से मैं करना चाहूँगा। दिल बेचारा मुकेश छाबरा की फिल्म है, अच्छी फिल्म है, वन टाइम वॉच जिसको हम कह सकते हैं टिपिकल सेंस में। अगर हम सुशांत वाली फीलिंग को साइड ट्रिप कर सके, साक्षी भाव से देख सके, जिसको भगवद गीता में कहा है ऐसे, तो वरना अगर हम बह जाए तो हर एक सीन में हमें सुशांत का जो पेन है, जो दर्द है, जो रियल लाइफ में उसने फील किया और उसने एग्जिटली वो वाला जो वाकया है, वो जो रियलिटी इस फिल्म की कल्पनाओं के साथ इतनी जुड़ जाती है, इस कहानी के साथ, कि हम इतने न्यूट्रल नहीं रह पाते फिर उसको बात करने में, उससे बात करने में। और सदना सांघी ने भी बहुत अच्छा अभिनय किया है। शाश्वत चैटर्जी और स्वस्तिका मुखर्जी, मैं तो बंगाली फिल्में बहुत देखता हूँ, तो बंगाली फिल्मों के तो बड़े मंजे हुए जाने माने कलाकार हैं। हिंदी में इतने सारे दिखाई नहीं देते, तो वो दिखाई दिए वही बहुत बात है इस फिल्म में। मुकेश छाबड़ा फर्स्ट टाइम डायरेक्टर है, उसने लाइटिंग बहुत अच्छी उन्होंने की है, और शॉट टेकिंग, ये ऐसा टीवी सीरियल जैसी फिल्म नहीं बनाई, चूँकि बात ऐसी थी कि फैमिली ड्रामा है, रिश्तों वाली बात है, दर्द वाली बात है, रोमांस वाली बात है, तो लोग काफ़ी सारे फर्स्ट टाइम डायरेक्टर टीवी सीरियल मोड में चले जाते हैं बनाने में। उन्होंने फिल्म की फीलिंग रखी है इंटेक्ट, और एआर रहमान का तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मेलोडी जिसको कहते हैं, पूरा एल्बम मेलोडी से अच्छे अमिताभ भट्टाचार्य के शब्दों से लबालब है। तो कुछ अच्छे अच्छे मोमेंट्स हैं, कुछ अच्छे अच्छे डायलॉग लिखे गए हैं। हाँ, लेकिन मुझे जो बात एक खली वो ये खली कि ये फिल्म 1 घंटे 41 मिनट तक की है, और जिसके ऊपर से ये फिल्म ऑफिशियली बनाई गई, जो 2014 में आई थी 14 Our Stars, जिसकी किताब 2012 में आई थी जॉन ग्रीन की, और वो भी बड़े यंग लेखक है, बड़े मशहूर है अमेरिका में, और उनकी और भी किताबें बहुत ही मशहूर है, जैसे पेपर टाउन्स। तो जॉन ग्रीन की फिल्म ओरिजिनली 2 घंटे 42 मिनट की थी, विच इज अनहर्ड ऑफ इन हॉलीवुड स्टैंडर्ड एज वेल, क्योंकि हॉलीवुड में ज़्यादातर फिल्में 2 घंटे से ज़्यादा लंबी नहीं रहती, ये इससे भी लंबी थी। तो हिंदी में तो इतने सारे गाने भी है और हिंदी में काफ़ी सारी नई सिचुएशन भी है, फिर भी ये इतनी छोटी क्यों? क्योंकि इसकी शूटिंग तो पहले खत्म हो गई थी मेरे ख्याल से 2018 में, ऐसा मैंने सुना था। तो ये थोड़ी पजलिंग बात है, थोड़ी रहस्यमय बात है मेरे लिए, लेकिन खैर इस रहस्य को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये फिल्म बहुत जल्दी भागती है, उसमें ठहराव कम दिखाई देता है, जो फीलिंग वाली, इमोशन वाली फिल्मों में, ऐसी कहानियों में होता है। ये कहानी का जो सिलसिला है ना, दर्द वाला सिलसिला, दर्द का रिश्ता, सुनील दत्त जी ने भी एक फिल्म बनाई थी इसी थीम पे, कैंसर वाली, तो वो एरिक सेगल की लव स्टोरी में भी था वही बात, और अखियों के झरोखे से उसकी एक बड़ी फेमस रीमेक हमारे यहाँ हुई थी, सचिन और रंजिता, और वो भी बहुत चली थी, और ऐसी थीम बहुत आती है। आनंद ऋषिकेश मुखर्जी की लाजवाब फिल्म, बहुत लंबी चलने वाली फिल्म आनंद, तो ये आनंद में भी वही बात थी कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए बाबू मोशाई, लंबी नहीं, ये जो जिंदगी जी लेने की बात और अंतिम वक्त तक लड़ने की बात और आनंद कभी मरते नहीं वाली बात मिली, एक फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी ने ही बनाई थी, और एक गुजराती नाटक भी था हमें बरक बरफ ना पंखी, तो वो मिली फिल्म थी, वो भी ऐसी ही फिल्म थी। तो बहुत सारी फिल्म, एक मणिरत्नम की फिल्म थी साउथ इंडियन तमिल, उसके ऊपर से हिंदी में आदित्य पंचोली और रुखसार उसमें फर्स्ट टाइम डेब्यू किया था, उसकी फिल्म आई थी याद रखे की दुनिया, उसमें भी ऐसी थी। ज्यादातर फिल्में ऐसी होती है कि आइदर ऑफ द वन, एक उधार की जिंदगी काजोल की फिल्म थी, तो एक कैरेक्टर जो होता है दो प्रोटैगनिस्ट में, उनको बीमारी हो। 14 Our Stars में जो एक डिफरेंट टेक है कि दोनों कैरेक्टर, अब मैं बात कर रहा हूँ वो टिपिकली 14 Our Stars फिल्म की है, और बड़ी अच्छी फिल्म है, उसके जो नायक नायिका है फिल्म में, हेजल और ग्रेस, और हेजल की माता का किरदार जिन्होंने किया था उस फिल्म में, उनको तो इसी साल ऑस्कर भी मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का मैरिज स्टोरी के लिए। तो ये जो फिल्म है उसमें जो डेप्थ थी, जो ठहराव था इमोशन का, और जो सही मायनों में टीनेज वाले डायलॉग थे,
अच्छे वाले टीनेज डायलॉग्स जो नेचुरल फ्लेवर में बोले जाते थे, फिर भी पंचलाइन बहुत थी उसमें, बहुत डीप फिल्म थी, इमोशनली डीप। वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार में ही है। अब दिल बेचारा जिनको पसंद आई हो उनको तो देखनी ही चाहिए, जिनको रोमांस और फीलिंग वाली बात, डेथ वाली बात, क्योंकि सुशांत की वजह से हम डेथ के बारे में काफ़ी सोचते रहते हैं, तो वो बात पसंद आई उनको भी देखनी चाहिए। और ये जो बातें हैं जो आती है ऐसी बातें हमारे इर्द गिर्द, ये ऐसी बातें हैं कि जिनको हम भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते। तो ये बात हमें देखनी चाहिए, हमें सोचनी चाहिए कि किस तरीके से हम इसके साथ डील करें। तो वो जो डेप्थ थी ना फॉल्ट इन अवर स्टार्स में, उसकी कुछ बात, क्योंकि उस जमाने में मैंने पीवीआर अहमदाबाद में जो आर्टिकल लिखा, उस जमाने में मैंने इस फिल्म के बारे में पूरा आर्टिकल लिखा था। पीवीआर अहमदाबाद में फिल्म देखी थी मैंने, और पूरा आर्टिकल लिखा था मैंने फॉल्ट इन अवर स्टार्स के बारे में, और पूरा का पूरा आर्टिकल इतना बढ़िया, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा था। और इंसिडेंटली हंसी तो फंसी वाले अमिताभ भट्टाचार्य के एक सॉन्ग की लाइन मैंने उस पर टाइटल में रखी थी, तेरे जन संग जो बीते वो लम्हे उस पर हमें नाज है, और तेरे संग जो लम्हे बीत न पाए उस पर हमें एतराज है। हर लव स्टोरी में यही तो बात होती है, लोग याद छोड़ना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ बात करना चाहते हैं। और वो फॉल्ट इन अवर स्टार्स की शुरू में ही अगर आप देखिए, ओपनिंग में ही इतनी बढ़िया सिचुएशंस है उसमें, कि वो शुरू में आती है कि वो लड़की बात कहती है कि भाई देखिए 13 साल की उम्र में मेरे पीरियड शुरू हुए तो मैं वुमन हो गई, थैंक्स गॉड फॉर इट, वो मस्ती से कहती है, टीनेजर के तौर पे 17 साल की लड़की जैसे बात करती है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि देन गॉड इज डिसाइडेड मी टू डाई, और मैं मरने के लिए, और लोगों को लगता है कि कैंसर की वजह से मुझ में डिप्रेशन है, नो, डिप्रेशन इज अ साइड इफेक्ट ऑफ डाइंग। तो ये छोटे छोटे कन्वर्जेशन में जो जिस तरीके से वो बातें करती रहती है वो लड़की, वो हेजल के एंगल से पूरी कहानी सुनाई गई, और उसमें गस आता है जो ऐसा फ्लैम्बॉयंट या हर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट देने वाला, जिसका सुशांत का बड़ा पॉजिटिव और बड़ा अच्छा मस्खरा वाला और मस्करी वाला सॉन्ग में भी ये बहुत अच्छी बात दिल बेचारा में है, वो सॉन्ग के वर्ड्स भी मुझे बहुत अच्छे लगे कि मस्खरी मस्ती मजाक थोड़े लाइट बनिए, वो एक बाम है, वो एक ट्रीटमेंट है, वो एक थेरेपी है, हंसना मुस्कुराना लाइट रहना जॉक क्रैक करना, किसी चीज को बहुत सीरियस मत लेना, और जैसे कुछ हो भी जीवन में तो उसको बहते पानी की तरह उसको छोड़ देना पीछे, उस क्रोध को पकड़ के मत रखना। ये जो बात है वो बड़ी अच्छी बात है उस सॉन्ग में। लेकिन वहां पे गस वाला जो करेक्टर है वो टिपिकल टीनेज एरोगेंट करेक्टर है, वो टीनेज एरोगेंस है उसके पास, और वहां से वो एरोगेंस इसलिए है कि वो खुद भी थोड़ा फील करता है कि उसकी जिंदगी में थोड़े जो उतार चढ़ाव आए उसमें उसका फॉल्ट नहीं था, नेचर का फॉल्ट था। और शुरू शुरू में प्यार की बातें जो उसमें होती है बहुत अच्छे तरीके से वो प्यार की बात भी सुनाई गई है। प्यार की बात जैसे कहता है कि भाई जैसे हमको नींद आती है ना, तो जब नींद आती है तो हमें कोई भान नहीं रहता, हमें कोई समानता नहीं रहती। तो नींद आती है उस वक्त क्या रहता है कि हम धीरे 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 ऐसे 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 करके नींद में अचानक चले जाते हैं। तो प्यार में भी ऐसा होता है, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए हम अचानक खो जाते हैं। तो ये बात फॉल्ट इन अवर स्टार्स में थी। एक बात ये भी थी कि भाई आप प्रॉमिस तो दे देते हैं लव में, लेकिन प्रॉमिस निभाने के लिए फिर बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, और वो जो मुश्किल आती है तो वो आप इसलिए करते हैं क्योंकि प्रॉमिस बढ़िया है, इसलिए नहीं, इसलिए करते हैं कि क्योंकि आप प्यार करते हैं, तो किसी को दिए हुए प्रॉमिस की वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उस रिश्ते की। तो उसके लिए आप थोड़ी भूल भी करते हैं और नादानियां भी करते हैं, शरारत भी करते हैं, और कभी कभार पकड़े भी जाते हैं और आपको सॉरी भी बोलना पड़ता है, फिर भी ये वर्थ है, ये इस साइन ऑफ प्यार जो आप गलती कर बैठते हैं किसी को बताने की, इश्क मासूम है हो जाती है गलतियां, ऐसे गुलजार जी ने बताया था ना हमें जाने मन फिल्म के गीत में। तो हर्ट तो हमें हर कोई करता है, ये भी सब जो बातें बता रहा हूँ जो फॉल्ट इन अवर स्टार्स में से मिली हुई बातें हैं वो बातें, हर्ट तो हमें हर कोई करता है, लेकिन जिसको हम प्यार करते हैं उनको हमें अधिकार देते हैं हम अपने को हर्ट करने का, ये बड़ी बात है। जिसको प्यार करते हैं उनको हम राइट देते हैं अपने को हर्ट करने का। और उसमें एक डायलॉग मुझे बड़ा पसंद आया था कि भाई ये जो झूला है ना, जैसे झूला झुलाते हैं लोग, तो वैसे ये क्रेडल है, झूला है, तो झूले में आप ऊपर तो जाते हैं लेकिन आसमान तक नहीं पहुंच पाते, फिर तो नीचे आना ही पड़ता है। तो जिंदगी की यही वास्तविकता है, उसमें तो एक पूरा निहालिस्टिक एटीट्यूड था। और मैं पर्दे के पीछे वाली बात आपको बताऊं तो जॉन ग्रीन जो राइटर थे उसके, वो एक एस्थर नाम की हैरी पॉटर फैन क्लब की लड़की ने उसको सिलेंडर लेके आती हुई उसने देखा और बातें करते हुए देखा, वहां से एक कैरेक्टर उन्होंने ढूंढा। और उनके जो फादर इन लॉ थे, उनके ससुर, वो कैंसर सर्जन थे, तो काफी सारे कैंसर पेशेंट की और रोग की बात उन्होंने की।
माइल्ड स्पॉइलर है ये, लेकिन दिल बेचारा में जो म्यूजिक एल्बम वाली बात है और मिलने की बात है, और वो सीन लिखा तो अच्छी तरीके से है, परफॉर्म भी हुआ है, लेकिन इतने जल्दी जल्दी सीन काफी कुछ चले जाते हैं कि वहां पे ऐसी जो लाइनें रह जाती है ना, जैसे 2014 की लाइन मेरे पास अभी 2020 तक ठहरी हुई है, ऐसे ठहरती नहीं है लाइन, ये फीलिंग तो वहां पे, तो ये पूरा एम्स्टरडेम वाली बात थी, आजादी फ्रीडम वाली बात थी, क्योंकि एम्स्टरडेम में पानी बताया गया था और उसके लंग में, जो लड़की के लंग में पानी भर रहा था कैंसर की वजह से, तो एम्स्टरडेम भी पानी का शहर है ऐसा बताया गया था। तो ये बातें बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी, उसमें सिंबॉलिक बातें थी, फ्रीडम का शहर और लोग फ्रीडम को सीन मान लेते हैं, हम आजादी को पाप मान लेते हैं, ये हमारे समाज की, यही तो सुशांत जैसे लोगों के साथ होता है कि जब जिंदा रहते हैं तो उनके साथ इतना कदर या प्यार नहीं करते कोई, और मरने के बाद काफी सारे लोग उनके प्यार में बह जाते हैं। तो ये तो होता है कि भी फ्रीडम वाली सोच वाला जो स्वतंत्र इंसान होता है, जो आउट ऑफ द बॉक्स जीता है, जो जो आपकी जो व्याख्याएं हैं उनके बाहर चला जाता है, उनका आप अप्रूवल ज्यादातर नहीं देते हो, या तो फिर उनको इतना सिर पर चढ़ा के नहीं रखते हो, ये हमारा फॉल्ट है। लेकिन वो तो फॉल्ट वाली बात जो उस कहानी में बहुत अच्छी तरीके से की, और लिटरेरी कहानी जिस तरीके से प्रस्तुत हुई पर्दे के ऊपर, तो उसमें एक बात थी कि भाई वो जो हीरो है गस, वो सिगरेट मुंह में रखता है लेकिन सुलगाता नहीं है, और वो कहता है कि ये चीज जो सिगरेट है, कैंसर तो मुझे है ही, तो मैं डरने वाला नहीं हूं, लेकिन इसमें किलिंग का पावर है, मारने का पावर है मुझे, लेकिन फिर भी मैं उसको मुंह तक रखता हूं, लेकिन लाइटर से उसको पावर नहीं देता कि ये मुझे मार सके, कंट्रोल मेरे हाथ में रखता हूं, सिगरेट जलाता नहीं, सिर्फ मुंह में रखता हूं स्टाइल मारने के लिए। सी, ये यंग जनरेशन वाली बात है, इंटरेस्टिंग बात है। तो उसमें, और जब आपको बोर्डम भी महसूस हो तब भी आप बात शुरू करते हैं, जारी रखते हैं, वैसी वैसी बातें जो प्यार रिश्ता बताता है, प्यार बताता है कि आप ओके ओके करके भी कन्वर्सेशन खत्म नहीं करते, लंबा 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 खींचते रहते हैं, तो क्योंकि आपको कन्वर्सेशन क्या हो रहा है, बात क्या हो रही है, टॉपिक क्या हो रही है, उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपको इंटरेस्ट है सामने वाले, उसके साथ बात करने में। तो ये जो है कि उसमें रियलिस्टिक फील थी, विश ग्रांटिंग फैक्टर ही नहीं है लाइफ, ये जो वहां पे राइटर ऑथर वाली, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी लाइनों के बात कौन करता है रियल लाइफ में, ऐसे लोग करते हैं जो लिटरेचर पढ़ते हैं, जो किताबें पढ़ते हैं। तो फिल्म में किरदार ही वही बताया गया था, नॉवल में भी किरदार वही बताया था, वो लड़की को क्योंकि अकेली रहती है, वो रोग की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से बहुत मूवमेंट नहीं कर पाती, तो वो किताबें बहुत पढ़ती है, तो वो राइटर को मिलना चाहती है, और राइटर थोड़ा जिसको फिल्म में भी बताया गया है शिट्टी किस्म का इंसान है, और फिर वो वापस कैसे आता है, और वो ट्रैक यहाँ पे नहीं रखा गया दिल बेचारा में। मैं तो मैंने कहा जैसे कि ये 14 Hour Stars 6 साल पहले की बात है, तो उसमें तो स्पॉयलर भी नहीं कहा जा सकता, 8 साल पहले की नॉवेल है, बड़ी बेस्ट सेलर है, बड़ी सुपरहिट फिल्म है। और ये जो बात है कि भाई उसकी माँ एक बार कहती है, जैसे कि फिल्मों में ये छोटी छोटी मोमेंट्स जो होती है ना बड़ी बढ़िया होती है, 14 Hour Stars में पूरा लंबा एंड में एक डायलॉग है जिसमें कोई एक बात बताता है साइंस के तौर पे, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि उसमें बात ये होती है कि भाई जैसे 1 और 2 उसके बीच एक नंबर है, नंबर 2 है, 1 और 2 के बीच काफ़ी सारी इन्फिनिटिया है, जैसे 1.000001 1.0001 2 1.00123 और फिर 1111 2 1111 2 1111 3 1111 2 3 1111 2 3 4 पर, लेकिन आगे पॉइंट आ जाता है, लेकिन 2 पूरा नहीं होता, 2 कंप्लीट नहीं होता। तो बात यह बताने की कोशिश की गई है कि ये दर्द जो आता है, जो पेन आता है, पेन डिमांडेड टू बी फेल्ट, दर्द मांग करता है कि मुझे फील करो, आप रोवो, आप दुखी हो, लेकिन जो बड़ी पॉजिटिव साइन उसमें बताई गई वो ये बताई गई, हम जानते हैं कि दोनों किरदार हमारे साथ ज्यादा वक्त तक रहने वाले नहीं है, फिर भी ये बात यह है कि भाई आप 1 से 2 तक तो पहुंचने वाले हो, लेकिन इन बिटवीन ये छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, 0.01 0.002 0.003 वाले, ये पॉइंट को लंबा कीजिए, यानी मिनी मिनी मोमेंट्स आप अब जी लीजिए, ये छोटी छोटी बात है। और ऐसी काफी सारी फिल्में बनाई गई हमारे यहाँ, तो खैर बनी ही है आपको पता होगा, लेकिन इंग्लिश में भी ये पूरी ट्रेंड चल पड़ा, उसके बाद एवरीथिंग करके एक नॉवेल आई, उसके ऊपर से भी ऐसी बीमारी वाली फिल्म आई, वो डिफरेंट तरीके की थी, एक नोटेल स्टोरी फिल्म नेटफ्लिक्स के ऊपर मैंने देखी थी, और नेटफ्लिक्स के ऊपर ही देखी हुई एक और फिल्म 5 Feet Apart, वो तो कोरोना काल में तो देखने में बहुत इमोशनल आप हो जाओगे, क्योंकि उसमें तो ये 6 फीट के डिस्टेंस वाली ही बात है, उसमें ही 5 Feet Apart वाला डायलॉग उसको बताया गया है, और उसमें 2 सांस वाली बीमारी, फेफड़ों की बीमारी वाले दर्द की बात। तो दोस्तों बातें तो यही है,
वो माँ वाली जो डायलॉग में कह रहा था कि उसमें माँ ऐसे ही कह देती है कि देखो बेटी तुम अगर न भी रहो कभी कभार तो मैं तुम्हारी माँ मिट नहीं जाऊंगी। ये प्यार वाली बात है, ये इश्क वाली बात है, ये रोमांस वाली बात है कि जो लोग रोमांस मानी लड़के लड़की वाला ही रोमांस नहीं, उसमें माँ बाप भी आ जाते हैं, टीचर स्टूडेंट भी आ जाते हैं, उसमें जो आपके चहेते कोई अगर कोई स्टार है या फेवरेट कोई ऑथर है या कोई कलाकार है वो भी आ जाते हैं, राइटर पेंटर कोई भी आ सकता है, म्यूजिशियन कि आप जिसको चाहते वो न भी रहे तो प्यार तो जिंदा रहता है। अब किशोर कुमार नहीं रहे लेकिन किशोर कुमार के गानों से अगर मुझे प्यार है तो वो तो जिंदा रहेगा। तो दुख होता ही इसलिए है कि हम दुखी हो, लेकिन दुख का एक फायदा भी है कि हम किसके साथ दुखी हो ये हमें जीवन में ढूंढना चाहिए। कौन है हमारे रिश्ते जिसके साथ हम दुखी होना चाहते हैं? तो लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे मैंने बताया कि ये एक सिर्फ फीलिंग थोड़ी बहुत जो मेरे दिमाग में आई, जैसे दिल बेचारा देखते वक्त मुझे 14 Number Stars की याद आई और वो बहुत ही बढ़िया फिल्म थी। आई रिक्वेस्ट यू कि इंग्लिश सबटाइटल के साथ है तो अगर आपको दिल बेचारा पसंद आई हो, आपने देखी हो, शायद सुशांत की ट्रेजेडी की वजह से आपने न भी देखी हो तो ये देखिएगा, बहुत अच्छी फिल्म है। जैसे मैंने तो पोस्टर देख के दिखाया कि टीयर जरकर होगी, कोई सास बहू की सीरियल जैसी हैवी फिल्म होगी, तो मैं तो गया था देखने के लिए हाफ हार्टेड, लेकिन जब बाहर निकला तो मुझे बहुत मजा आया कि भाई एक हैवी थीम जो है कैंसर वाली, रोग वाली, पीड़ा वाली, डेथ वाली, उसको भी कितनी लाइट तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और वही तो है, वही तो हमें जीना है, हमें सीखना है। इस हमारे आसपास इर्द गिर्द अभी यही तो माहौल है, रोग वाला, पीड़ा वाला, मृत्यु वाला, नेगेटिविटी वाला, और अब दुनिया उपहास भी करती है, परिहास भी करती है, हमें पीछे भी छोड़ देती है, लेकिन हम सीखते क्या है उसमें से? हम सीखते ये है कि हमें उसमें से वो इन्फिनिटी लंबी खींचनी है। तो ये जो बात है बड़ी इंटरेस्टिंग है, और उसमें एक लास्ट जो मैं हमारी बात खत्म करने के से पहले आपको कहना चाहूंगा कि उसमें जो गस वाला जो कैरेक्टर है वो धीरे धीरे हेजल को जो बहुत शट डाउन हो गई है उसको ओपन अप करता है। वो जैसे कली में से फूल बनाते हैं ना, उस तरीके से धीरे 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 उसको अपनी अपनी जो अपनी मुस्कुराहट है, अपनी जो महक है उसके पास ले जाता है। तो उसमें वो कहती है कि व्हाट्स योर स्टोरी, तो उससे बताया कि ये कैंसर है, वो ये है। नहीं, वो गस कहता है दिस इज अ नेचर स्टोरी, ये तो नेचर की कहानी है, तुम्हारी कहानी क्या है, तुम्हें क्या पसंद है, तुम कहाँ पे घूमी, तुमने कैसी याद बनाई, तुम्हें कौन सी किताब पसंद है, तुम कैसी पढ़ना चाहती हो, क्या नाच किस गाने पे नाचना चाहती हो, कौन सा गाना पसंद है, कौन सी फिल्म पसंद है, कौन सी कला पसंद है, क्या क्या जीवन में क्या कौन सा स्वाद पसंद है, ये हमारी कहानी है जो हम लिख सकते हैं। नेचर जो करता है, जो रोग बीमारी, शरीर, त्वचा, हाइट, आंख का रंग, बाल जड़ जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है, ये नेचर की कहानी है, हमारी कहानी नहीं है। हम कैसे जीते हैं, हम क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं, किस क्या डिसीशन लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं, कैसे कुछ गलतियां भी करते हैं, उसमें से कुछ सीख भी लेते हैं, कहीं पे प्यार मोहब्बत करते हैं, किसी के साथ हग करते हैं, किस करते हैं, रोमांस करते हैं, वो हमारी कहानी। सुशांत ने भी अपनी कहानी छोड़ दी, सुशांत नहीं रहा, लेकिन उसकी कहानियां रही, उसकी लाइफ की कहानियां, वो जो करना चाहते हैं, वो स्टार्स ड्रीम की कहानियां, आसमान की कहानियां, और कहीं पे जो फॉल्ट आ जाता है नेचर वाला, क्यों अच्छे लोगों के साथ कभी कभार अच्छा नहीं होता, वो जो सवाल हम पूछते हैं क्यों जिंदगी ऐसे खत्म हो जाती है, उस जवाब देने वाला कोई नहीं, हम पूछते रहते हैं और थक जाते हैं और फिर पूछना बंद कर देते हैं, वो कहीं पे किस्मत के सितारों का फॉल्ट होगा, उसमें हम कुछ नहीं कर पाते, वो तो हमारे स्टार्स का फॉल्ट है, लेकिन हमारी कहानी इससे आगे, इस लकीरों से आगे हम लिख सकते हैं। तो हम कैसे लिख सके वो कहानी, वो इंस्पिरेशन अगर हमें मिले तो ये दिल बेचारा नहीं रहेगा, वो किसी का सहारा भी बन सकता है। तो मैं जय वसावड़ा प्लेनेट जेवी पे ऐसी और बातें फिल्मों के बारे में करने के लिए आता रहूंगा। आप देखते रहिए और फ्री सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए बेल आइकॉन के साथ। थैंक यू।